नमस्कार, मैं हूं अशोक पांडे और आप देख रहे हैं निर्भय नगरी। निर्भय नगरी में आपका स्वागत है। दोस्तों, राष्ट्रवादी शरद चंद्र पवार गुट के नेता जीवन वालिलकर ने क्या कुछ कहा, आइए सुनवाते हैं इस वीडियो में। जीवन दादा, लोकसभा चुनाव आने वाला है, महाविकास आघाड़ी के कैंडिडेट है, क्या कहेंगे कैंडिडेट के बारे में और महाविकास आघाड़ी किस तरीके से उसका प्रचार कर रही है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अभी ये लोकसभा चुनाव 2024 का आगाज हुआ है और दो टप्पा में वोटिंग प्रक्रिया जो है महाराष्ट्र में हो चुकी है। अभी आखिरी टप्पा अपना 20 मई को है, तो इलेक्शन के लिए मैं हमारे जो वोटर्स हैं उनसे यही अपील करना चाहता हूँ कि ये जो लड़ाई है ये लोकशाही अगेंस्ट में हुकुमशाही ऐसी लड़ाई है और अपने देश का संविधान अपने को बचाना है तो उसके लिए ये आखिरी लड़ाई है। अब की बार अगर बीजेपी सरकार को तड़ी पार नहीं किया तो हम अपना संविधान खो सकते हैं और अपने देश पर गुलाम हो सकता है और हुकुमशाही की तरफ जो आज रास्ता जा रहा है उसको अपने को कैसा भी करके बंद करना है। जीवन दादा, जिस तरह बीजेपी का जो नारा चल रहा है, अब की बार 400 पार तो है ही है, उसके अलावा अब की बार फिर से मोदी सरकार। देखिए, उन लोग से मेरा यही सवाल है कि आपकी बार 400 पार या आप लोग को बराबर मालूम है, लेकिन अपने देश में जो पुलवामा हल्ला हुआ उसमें 400 किलो आरडीएक्स कहाँ से आया, इसकी जांच अभी तक 10 साल से वो कर रहे हैं, उन लोग को ये पता नहीं है। अपने देश के जवान वो हल्ले में शहीद हो गए हैं, अगर इन लोग में थोड़ी सी भी शर्म है तो कम से कम ऐसे नारे लगाना बंद करो। और पुलवामा हल्ला कैसे हुआ, 400 किलो आरडीएक्स कैसे आया अपने देश में, ये जनता में ये लोग जनता को बताए और उसकी जांच कंप्लीट करके जो भी दोषी है पहले तो उन लोग के ऊपर कार्रवाई करें। देखिए विजय दादा, अपना जीवन दादा, मैं ये बात बता रहा हूँ कि अभी दो शिवसेना हो गई है, आपके यहाँ से भी वैशाली दरेकर है, उसी के सामने एक शिवसेना का और एक कैंडिडेट डॉक्टर श्रीकांत शिंदे, तो लोगों में अभी तक के बराबर से ये समझ में नहीं आ रहा है कि वोट देना किसको है, कौन किसकी पार्टी का है, तो क्या कहेंगे, किस तरीके का संदेश रहेगा लोगों के लिए? देखिए, शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे गढ़ के जो भी कार्यकर्ता है वो समझदार है और उन्होंने काफी जन जागृति की है। अभी हाल ही में वैशाली ताई दरेकर के साथ में हम लोग यहाँ के पूरे 27 और 14 गांव में घूमे थे, तो डोर टू डोर जाके प्रचार किया है और सभी लोगों को यही बात समझाया है कि महाविकास आघाड़ी की तरफ से वैशाली ताई दरेकर को जो उम्मीदवारी मिली है तो अपने को उनका काम करना है। और वोटर्स लोग से हमने यही अपील की है कि मशाल अपना महाविकास आघाड़ी का सिंबल है और मशाल को देख के आपको वोटिंग करना है। जीवन दादा, जैसे कि लोगों में एक वो है कि जो कैंडिडेट है वो अब तक सामने नहीं आया है और लोगों तक उनकी रब्ता नहीं हुई, तो वो हमारे आने वाली समस्या को किस तरह हल किया जाएगा, तो किस तरह का आपका अपील रहेगा? देखिए, लोगों से मेरा यही कहना है कि आपने 10 साल अदर कैंडिडेट को मौका दिया है तो 10 साल पहले वो कैंडिडेट भी कभी अपने कल्याण लोकसभा में घुमा नहीं था, तो लोगों से मेरा कहना यही है कि अभी जो कैंडिडेट अपने कल्याण लोकसभा में सम्माननीय उद्धव बालासाहेब ठाकरे ने दिया है और महाविकास आघाड़ी तरफ से दिया है, वो कैंडिडेट कुछ देख के दिया है, उनमें वो पोटेंशियल है, उनमें वो एनर्जी है कि वो यहाँ के लोगों का विकास कर सकते हैं, लेकिन आप लोग अगर उनको मौका नहीं देंगे तो वो आपका विकास कैसे करेंगे? संविधान को लेकर के जनता से किस तरह का आप अपील करेंगे, क्योंकि जिस तरह संविधान को नष्ट करने की बीजेपी द्वारा कोशिश की जा रही है, कई जगह पे ऐसे ऐसे विवादित बयान दिए जा रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर के, क्या कहेंगे दादा? संविधान को लेकर मैं यही कहना चाहूंगा कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो अपने को संविधान दिया है उसको बचाना एक आम नागरिक की तरफ या देश के नागरिक होने के कारण अपना काम है उसको बचाना, लेकिन आज जो संविधान के बारे में बोला जा रहा है, उनकी जो रणनीति चल रही है बीजेपी की कि संविधान को हटा के अपना संविधान लाने का वो लोग काम कर रहे हैं, तो उसको देश के पब्लिक ने सबने जाना है कि ये क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, तो मेरे देश के लोगों से यही अपील रहेंगे कि अपने को संविधान बचाने का है तो बीजेपी को तड़ी पार करना है। एक बार जनता को फिर से आप वो सिंबल दिखा दें जिससे कि जनता जो है भटके ना। देखिए, मैं सब लोग को ये दिखाना चाहता हूँ कि ये जो सिंबल यानी वैशाली ताई दरेकर का जो सिंबल है मशाल का सिंबल है और लोगों से अपील है कि ये सिंबल के ऊपर ही वोट करें और देख के वोट करें तो ताकि अपना वोट जो है वेस्ट ना जाए। जिस तरह जीवन भाई
लोगों में जागरूकता हो रही है वोटिंग को लेकर, तो 20 मई को किस तरह लोग आपके क्षेत्र से निकलेंगे वोट करेंगे, क्या आपको उम्मीद है कि जिस तरह अगले वर्ष में जिससे वो वोटिंग हुई थी उससे बढ़कर वोटिंग होने वाली है इस बार? तो हम लोग को जो होप्स है, हम लोग ने जहाँ तक हम लोग ताई के साथ में घूमे हैं और रोज मीटिंग्स हो रही है, तो उसमें लोगों का अच्छा सहयोग मिल रहा है। जहाँ भी हम लोग जाते हैं वहाँ से अच्छा रिस्पॉन्स लोगों का आ रहा है, तो लोग भी चाहते हैं कि ये टाइम पे कुछ बदलाव हो जाए और बदलाव के लिए लोग भी तैयार है। खाली लोग बोलते नहीं है लेकिन अंदर से लोग बहुत कुछ काम करने वाले हैं। विधायक जितेंद्र रावत की तरफ से क्या दिशा निर्देश आप लोगों को दी गई है, क्या आप लोगों के लिए काम करने के लिए सूची तैयार की गई है? देखो, हम लोग को हमारे जो डॉक्टर साहब है, हमारे विधायक जितेंद्र रावत साहब, उनके तरफ से सभी कार्यकर्ताओं को जितने भी कल्याण लोकसभा में जो भी हमारे विधानसभा क्षेत्र है, जैसे कल्याण ग्रामीण विधानसभा है, कल्याण पश्चिम विधानसभा है, कल्याण पूर्व है, फिर मुमरा कलवा विधानसभा है, सबको निर्देश दिए गए कि अपने को महाविकास आघाड़ी धर्म का पालन करना है और जो अपने साथी है उनको लेके अपने को आगे बढ़ना है और अपने को जीत दिलाना है। तो सब कार्यकर्ता जी तोड़ से मेहनत कर रहे हैं और अवार्ड साहब उस दिन खुद आए थे वैशाली ताई दरेकर का फॉर्म भरने के लिए और काफ़ी हद तक मीटिंग्स भी चालू है। हमारे कल्याण डोंबिवली जिला के जो जिला अध्यक्ष है वंडार शेख पाटिल, वो भी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और लगातार मीटिंग्स हो रही है और वैशाली ताई दरेकर को ज़्यादा से ज़्यादा वोट से जिताने की हम लोग की कोशिश चल रही है। क्या लगता है कहीं ना कहीं जो है महाविकास आघाड़ी जो है आने वाले इलेक्शन में बीजेपी पे भारी पड़ सकती है? देखिए, पब्लिक है, पब्लिक सब जानती है, क्योंकि अब तक बीजेपी सरकार ने जो काम किया है उन्होंने काफ़ी अच्छा काम नहीं किया है। जो मूलभूत है, जो बेस है, उसको उन्होंने सुधारा नहीं है। जैसे कि अपना शिक्षण हो गया, हेल्थ हो गया, जो हमारे किसान लोग हैं उनको फैसिलिटीज देना हो गया, इनके ऊपर अभी 10 साल में कोई ऐसा ठोस काम नहीं हुआ है कि जिससे वो लोग प्रभावित होकर बीजेपी को वोट कर सके। वो काफ़ी लोग अंदर ही अंदर नाराज है। और दूसरा मेरा ये सवाल है कि जो भी अभी बीजेपी के लोग जो प्रचार कर रहे हैं, जो भी कार्यकर्ता उनके प्रचार कर रहे हैं, तो मेरा उनसे यही सवाल है कि ये 10 साल में श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने ऐसी कौन सी 5 योजनाएं, कम से कम 5 योजना का नाम बताए कि जो जन सामान्य के लिए उन्होंने लाया है और उसका 100% अमल बजावनी यहाँ के लोगों में हुआ है और उसका बेनिफिट उन लोगों को मिला है, कौन सा भी 5 योजना का नाम बताए। मुमरा वासियों के लिए और पूर्व नगर सेवक जो है महाविकास आघाड़ी के मुमरा में, उन लोगों को आप क्या संदेश देंगे और जो यहाँ से जा चुके हैं दूसरे अभी शिवसेना में, जैसे कि शिंदे गुट में गए हैं और अभी जो यहाँ पे आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, काम चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मुमरा कलवा के लोग समझदार है, उन लोगों ने डेवलपमेंट डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड के रूप में देखी है और जहाँ अवार्ड साहब बोलेंगे वहाँ लोग 100% उनको सहयोग करेंगे। रहा सवाल डेवलपमेंट का, जो भी डेवलपमेंट हुआ है वो अवार्ड साहब ने ही किया और अच्छे अच्छे लोग भी जानते हैं, वहाँ के गली गली के बच्चे लोग भी जानते हैं कि विकास किसने किया है। तो वहाँ पर अवार्ड साहब बोलेंगे वही होने वाला है और बाकी जो बाकी लोग हैं अपने यहाँ से कुछ लोग गए हैं अदर पार्टी में शामिल होके बोल रहे हैं, तो उनसे कुछ होने वाला है नहीं, क्योंकि उनको बढ़ाने वाले अवार्ड साहब हैं। तो कैसा रहता है मालूम है क्या, गुरु गुरु होता है। एक बार फिर वापस से अपील करना चाहता हूँ कि पिछले 2 टप्पा में जो इलेक्शन हुआ है वो इलेक्शन में इनका स्लोगन था कि अब की बार 400 पार, तो जिस तरीके से वोटिंग हुआ है तो इन्होंने अब अपना स्लोगन चेंज किया है और उन्होंने अपना स्लोगन किया एक बार फिर मोदी सरकार। तो मैं जनता से यही कहना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं इनके हार का इनको आगाज हुआ है और जो उनका स्लोगन उन्होंने चेंज किया है उसी में महाविकास आघाड़ी सरकार की जीत है। और 4 जून को आप सभी लोगों को मालूम पड़ेगा कि ये देश में किसकी सरकार आएगी और मेरे को आशा है 100% महाविकास आघाड़ी सरकार यानी कि अपनी कांग्रेस सरकार इस देश में 4 जून को आएगी, क्योंकि बदलाव अब 100% है।